मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन्स स्थित ग्रीन मीडियोज स्कूल में जनपद स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद शहर के पब्लिक स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सेमीफाइनल व फाइनल मैच खेले गए। पहले सेमीफाइनल में बालक वर्ग में आरआरके स्कूल और सेंट मीरा स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें सेंट मीरा स्कूल की टीम एक पारी और दो पॉइंट से विजयी रही। दूसरा सेमीफाइनल ग्रीन मीडोज स्कूल और डायमंड पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें ग्रीन मीडोज स्कूल की टीम 11 पॉइंट से जीती। बालिका वर्ग का पहला सेमीफाइनल ग्रीन मीडोज स्कूल और सेंट मीरा के बीच खेला गया, जिसे ग्रीन मीडोज स्कूल ने एक पारी और तीन पॉइंट से जीता। दूसरा सेमीफाइनल आरआरके और डायमंड पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें डायमंड पब्लिक स्कूल एक पॉइंट से जीता। बालिका वर्ग का फाइनल मैच ग्रीन मीडोज और डायमंड पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें ग्रीन मीडोज स्कूल 13 पॉइंट से विजयी रहा। बालक वर्ग का फाइनल मैच ग्रीन मीडोज स्कूल और सेंट मीरा स्कूल के बीच खेला गया, जिसे ग्रीन मीडोज स्कूल ने दो पॉइंट से जीता। ओवरऑल बालक और बालिका वर्ग में ग्रीन मीडोज स्कूल चैंपियन रहा। बालक वर्ग की प्रतियोगिता में ग्रीन मीडोज स्कूल प्रथम, सेंट मीरा स्कूल काशीराम नगर द्वितीय तथा आरआरके स्कूल व डायमंड पब्लिक स्कूल तृतीय रहे। बालिका वर्ग में ग्रीन मीडोज स्कूल प्रथम, डायमंड पब्लिक स्कूल द्वितीय व आरआरके स्कूल व सेंट मीरा स्कूल काशीराम नगर तृतीय रहे। ग्रीन मीडोज स्कूल में जिला खो खो संघ के द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण में पुलिस उपाधीक्षक अंजना शर्मा और विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा सिंह और जिला खो खो संघ के अध्यक्ष रोहित कुमार मौजूद रहे। निर्णायक में अमन गिरी, अमन, रजत, निशांत, संस्कार और विनीत मौजूद रहे। स्कूलों के शारीरिक शिक्षक आंचल, स्वती, पुष्कर, इसरार आदि भी मौजूद रहे। सर, ये जिला मुरादाबाद खो खो एसोसिएशन के द्वारा हमारी तृतीय अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट खो खो चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ आज ग्रीन मीडोज स्कूल में किया गया। कितने बच्चों ने भाग लिया, क्या रहा पूरा? इसमें पूरे जिला मुरादाबाद के लगभग 15 स्कूलों से हमारी 23 टीमों ने प्रतिभाग किया है। और आज के जो उपविजेता रहे गर्ल्स में वो डायमंड पब्लिक स्कूल और बॉयज़ में सेंट मीरा स्कूल, और विजेता बने हैं दोनों ही टीम में, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में ही ग्रीन मीडियम स्कूल ने विजेता यहाँ विजय लिया। क्या उद्देश्य रहा सर? कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जिले में खो खो की खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जाए और वो अच्छे लेवल पर प्रदर्शन कर नेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे मुरादाबाद का नाम रोशन कर सके।